दोस्तों, सच्ची सफलता प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं होती है। यह केवल आपके पास मौजूद धन और भौतिक संपत्ति से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सफलता के मायने और भी गहरे जाते हैं। इसे केवल इस बात से मापा जा सकता है कि आपकी आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण किस हद तक आपको सभी परिस्थितियों में खुश रहने में सक्षम बनाता है। यही वास्तविक सफलता है। दोस्तों, सफलता और खुशी का रहस्य आपके अंदर है। यदि आपने सफलता और समृद्धि बाहर पाई है लेकिन अंदर नहीं, तो आप वास्तव में सफल नहीं हैं। मान लीजिए 1 करोड़पति जो खुश नहीं है वे सफल नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि यदि आपके पास $1,000,000 है तो आप सफल नहीं हो सकते। चाहे आप अमीर हो या गरीब, अगर आपको जीवन में खुशी मिलती है तो आप वास्तव में एक सफल इंसान हैं। गतिशील इच्छा शक्ति का उपयोग करना कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप यह नहीं सोचते। दोस्तों, एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के एक बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपके पास वे सारी शक्ति होगी जो आप किसी भी दिशा में उपयोग करना चाहते हैं। इच्छा आपके भीतर ईश्वर की छवि का साधन है। इच्छा में उनकी असीम शक्ति निहित है, वह शक्ति जो प्रकृति की सभी शक्तियों को नियंत्रित करती है। जैसा कि आप उनकी छवि में बनाए गए हैं, वह शक्ति आपकी है जो आप चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए। दोस्तों, जब आप अच्छे काम करने का मन बना लेते हैं तो आप उन्हें पूरा कर लेंगे। यदि आप गतिशील इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आप प्रयास करते रहते हैं तो ईश्वर ऐसे साधनों का निर्माण करेगा जिनके द्वारा आपकी इच्छा को उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। दोस्तों, यह वह सत्य है जिसका उल्लेख भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करें। यदि आप लगातार अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, यह लोगों की मदद करने के लिए सफलता, स्वास्थ्य और शक्ति उत्पन्न करेगा, और सबसे बढ़कर यह ईश्वर के सात्विकता उत्पन्न करेगा। दोस्तों, नश्वर मनुष्य का मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता ऐसी भावना से भरा हुआ है। कुछ विशेषताओं और आदतों वाले परिवार में पैदा होने के कारण वह इनसे प्रभावित होकर सोचता है कि वह कुछ खास चीजें नहीं कर सकता। वह ज्यादा चल नहीं सकता, वह यह नहीं खा सकता, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्हें नहीं कर सकता जैसी भावना से सावधानी बरतनी चाहिए। आपके भीतर वह सब कुछ पूरा करने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। वह आपकी शक्ति इच्छा में निहित है। दोस्तों, यदि आप गतिशील इच्छा शक्ति के साथ एक निश्चित विचार से चिपके रहते हैं तो अंत में यह एक ठोस बाहरी रूप धारण कर लेता है। गतिशील इच्छा शक्ति के साथ किसी विचार को धारण करने का अर्थ है उसे तब तक पकड़े रहना जब तक कि उस विचार पैटर्न में गतिशील शक्ति विकसित ना हो जाए। दोस्तों, जब किसी विचार को इच्छा शक्ति से गतिशील बनाया जाता है तो वे आपके द्वारा बनाए गए मानसिक ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रकट हो सकता है। आप इच्छा शक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर कोई ऐसा उद्देश्य चुनें जो आपको लगता है कि आप पूरा नहीं कर सकते, और फिर उस एक काम को करने के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश करें। जब आप सफलता प्राप्त कर लें तो कुछ बड़ा करें और इस तरह अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहें। यदि आपकी कठिनाई बहुत बड़ी है तो गहराई से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे मेरी सभी कठिनाइयों पर विजय पाने की शक्ति दें। दोस्तों, आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं या आप कौन हैं। आपको अपना मन बना लेना चाहिए। इस इच्छा शक्ति का उपयोग व्यवसाय और ध्यान दोनों में करें। सफलता या असफलता आपके अपने दिमाग में तय होती है। समाज के बाकी लोगों की नकारात्मक राय के खिलाफ भी यदि आप अपनी सर्वविजयी ईश्वर प्रदत्त इच्छा से यह दृढ़ विश्वास लाते हैं कि आपको कठिनाइयों में पीड़ित नहीं छोड़ा जा सकता है, तो आप अपने ऊपर एक गुप्त दिव्य शक्ति का अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि उस दृढ़ विश्वास और शक्ति का चुंबकत्व आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है। दोस्तों, असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय होता है। परिस्थितियां आपको चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन अपना सिर सीधा रखें। हमेशा एक बार और प्रयास करें, चाहे आप कितनी भी बार असफल क्यों ना हो। तब लड़ो जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं लड़ सकते, या जब आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लिया है, या जब तक आपके प्रयासों को सफलता नहीं मिल जाती। दोस्तों, जीत के मनोविज्ञान का उपयोग करना सीखें। कुछ लोग सलाह देते हैं
की विफलता के बारे में बिल्कुल भी बात न करें, लेकिन केवल इससे मदद नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपनी असफलता और उसके कारणों का विश्लेषण करें, अनुभव से लाभ उठाएं और फिर उसके बारे में सभी विचारों को खारिज कर दें। यद्यपि वह कई बार असफल हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है, जो भीतर से अपराजित रहता है, वही वास्तव में विजयी व्यक्ति होता है। जीवन अंधकारमय हो सकता है, कठिनाइयां आ सकती हैं, अवसर अनुपयोगी छूट सकते हैं, लेकिन अपने भीतर कभी यह ना कहें कि मैं समाप्त हो गया और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कुछ कर सकता है? आपका परिवार आपको त्याग सकता है, भाग्य आपका साथ छोड़ सकता है, मनुष्य और प्रकृति की सारी शक्तियां आपके विरुद्ध तैयार हो सकती हैं, लेकिन आपके भीतर दैवीय पहल की गुणवत्ता से आप अपने स्वयं के पिछले गलत कार्यों द्वारा बनाए गए भाग्य के हर आक्रमण को पराजित कर सकते हैं और स्वर्ग में विजयी हो सकते हैं। चाहे आप कितनी भी बार असफल क्यों ना हो, प्रयास करते रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने अटल रूप से संकल्प लिया है, पृथ्वी भले ही बिखर जाए, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करता रहूंगा। यदि आप ऐसी गतिशील इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं, तो आप अवश्य सफल होंगे। दोस्तों, वह गतिशील इच्छा ही है जो एक व्यक्ति को धनी बनाती है और दूसरे को शक्तिशाली और दूसरे को संत बनाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।